मैं कंपेयर कर रही थी अपने यहाँ का और उत्तराखंड का कल्चर कि कितना मिलता जुलता है। उत्तराखंड का आर्ट है। इसके बाद फिर चावल को भिगा के उसको पीस के उसका पेस्ट बना के उससे लिखते थे। इसको ये शुगर फ्री होता है, इसमें पॉस्चराइज शुगर चली डली होती है जिस जो डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। ओके, तो आप मतलब यानी कि अगर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप ये पैकिंग साथ में लेके जा सकते हैं पिकनिक वगैरह। अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ये खूबसूरत सा आर्ट और इसका जो नाम है वो है एपन आर्ट और भाई उत्तराखंड का आर्ट है। इस वक्त मैं 94 नंबर स्टॉल पे खड़ी हूँ और उत्तराखंड का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। अभी आपको दिखा दूँ कि स्टॉल में बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, लेकिन जो मुझे जिसने अट्रैक्ट किया वो इस एपन आर्ट में किया। अभी मैडम है मेरे साथ। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है, मैं उत्तराखंड रानीबाग से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम मम्मा गौरा जीविका समूह है और ये हमारी उत्तराखंड की फोक आर्ट है। ये पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे रेड मिट्टी होती है उसको गेरू बोलते हैं, उसको हम देली में लगाते थे या मंदिर कुछ भी शुभ कार्य होता था उसको हम पहले नीचे से लिखते थे, उसके बाद फिर चावल को भिगा के उसको पीस के उसका पेस्ट बना के उससे लिखते थे। उस टाइम पर वो चीज़ चलती थी। अब आज के टाइम पर तो सब चीज़ें ना मतलब ऑनलाइन हो गई है, ट्रेडिशनल हो गई है, हर जगह ये चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। ट्रेडिशनल खत्म हो गई है इवन। हाँ बिल्कुल खत्म हो गया है। तो मतलब जैसे कोई लोग बाहर जॉब करने जाते तो उन चीज़ों को उन लोगों को यहाँ ये चीज़ वहाँ पर मिल नहीं पाती है, तो ये चीज़ ना वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, इसीलिए हमने उस चीज़ को ट्रेडिशन में उतार दिया है। जैसे हम वुडन में कर देते हैं, क्लोथ में कर देते हैं और डेली में कर देते हैं, स्टिकर बना दिए हमने चिपकाने वाले। अच्छा, वैसे ये जो जिस आप आर्ट की बात कर रहे हैं वैसे ये घर पे किया जाता था लाल मिट्टी पे, और अभी जो है भाई ये समय के हिसाब से जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे ज़रूरतें होती हैं उसी हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल लेता है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई चावल को भिगा के उनको फिर पीस के फिर ये वाइट कलर की जो पेंटिंग है वो की जाती है, लेकिन अभी आप ऑथेंटिक जो अभी जो कलर्स आते होंगे उनसे आप करते हैं? हाँ, ये अब जो आता है ये कॉटन का कपड़ा होता है, इसमें हम व्हाइट फैब्रिक पेंट यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी कैसा लग रहा है मैम आपको मंडी पहुँच? बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स खाने की भी हैं। तो अभी मैं पहले मैम से बात कर चुकी थी, जो मैं कंपेयर कर रही थी अपने यहाँ का और उत्तराखंड का कल्चर कि कितना मिलता जुलता है, तो मुझे सारी चीज़ें इक्वली लगी। देखो ये जो पेठे की होती हैं ये साबुत उड़द की पेठे की बड़ियां हैं और ये धुले हुए उड़द की पेठे के साथ जो मिला के बड़ियां बनाई जाती हैं वो सारी हैं। अच्छा, तो मैम ये अभी हम बात करेंगे रागी लड्डू के बारे में, और मुझे भी आज ही ये नया कॉन्सेप्ट पता चला है कि कोदरा को हिंदी में रागी बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ पे कोदरा बोलते हैं। मैम आप बता रहे थे कि आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ मडवा बोलते हैं। मडवा? हाँ। देखिए तो ये मडवा, कोदरा और रागी एक ही चीज़ है, कोदरा उसके ये लड्डू हैं और शुगर फ्री ये लड्डू हैं। तो मैम ये आप खुद बनाते हैं? खुद, होममेड है मैम। इसमें क्या क्या डला होता है? मैम इसमें खजूर का रस होता है, मडवा होता है, मेन चीज़ इसमें मडवा, खजूर का रस और ड्राई फ्रूट्स और तेल होते हैं। okay, और देसी घी में ये लड्डू बने हुए होते हैं। इसको ये शुगर फ्री होता है, इसमें पॉस्चराइज शुगर चली डली होती है जिस जो डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। ओके, तो ये देख लीजिए आप भाई, ये शुगर फ्री है और जिनको डायबिटीज़ है और जिनको लड्डू खाना अच्छे लगते हैं तो वो यहाँ पर आकर ये शुगर फ्री लड्डू लेके जा सकते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर ये इमली भी आपको स्टॉल पे मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पे तेज पत्ता आपको मिलेगा और ये नमकीन है यहाँ पर रखी हुई। और ये अचार है मैम? हाँ जी मैम। ये कौन कौन से अचार? ड्राई मैंगो पिकल होगा। okay. आंवला पिकल होगा, बटर मशरूम होगा। ओके, लेमन का है। तो ये अगर मैं पैकेट एक लेना चाहूँ अचार का तो कितने में मुझे पड़ेगा? 50 का। और अगर मुझे ज़्यादा अचार लेना हो फिर? उसके प्राइस अलग होते हैं मैम। नहीं तो आप इतनी ही पैकिंग लाएँ, इससे बड़ी नहीं, भी नहीं, बड़े भी हैं बॉक्स में हैं। अच्छा ओके। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं है, मैं सोचूं कि क्या पता होते ना जैसे टूरिस्ट, ये टूरिस्ट एरिया है वैसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको ये चीज़ें खाने का लगा रहता है टेस्ट, किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है तो वो ये डब्बा नहीं ले सकता हर जगह, तो ये वो एक बार खा के मतलब 2-3 बार खा के ख़त्म कर सकते हैं, वो वाला टाइप में। अच्छा ओके, तो आप मतलब यानी कि अगर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप ये पैकिंग साथ में लेके जा सकते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। तो अचार की छोटी पैकिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी सबसे मेन जो वही है, देखिए जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे ये आर्ट है उत्तराखंड का, मैम क्या नाम बताया था आपने? एपन आर्ट। हाँ एपन आर्ट, तो ये यहाँ पर एक यूनिक मुझे जो आइटम है जो आर्ट है वो नज़र आया है। देखिए पहले अभी तो वही है कि जो कलर्स हैं उनसे जो भी अब आजकल फैब्रिक कलर्स आते हैं उनसे ये आर्ट बनाया जाता है, लेकिन एक समय पर ये आर्ट भी देख लीजिए आप, आर्ट जो चावल होते हैं उनको भिगाया जाता था फिर उनको पीसा जाता था और उसके बाद ये जो पूरी कलाकारी है ये की जाती थी लाल मिट्टी के ऊपर, जो घर पे हमारी दरवाजे पे होती हैं, दरवाजे पे या आंगन पे लिपा पोती होती थी उस पे ये सारा किया जाता था। तो अगर आप ये एपन आर्ट लेना चाहते हैं या उत्तराखंड का अचार टेस्ट करना चाहते हैं या शुगर फ्री लड्डू लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं 94 नंबर स्टॉल पर और यहाँ पर 95
94 के साथ 95 स्टॉल भी आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप ले सकते हैं सारी आइटम्स। आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट अभी आपने देखी है इसके स्पॉन्सर हैं एकोम फर्नीचर, और एकोम फर्नीचर की मैं बात करूँ तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एकोम फर्नीचर लेना चाहते हैं तो आप गुटकर में जाके पाल डिस्ट्रीब्यूटर में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच इस रिपोर्ट को देखने के लिए। स्पॉन्सर्ड बाय एकोम फर्नीचर्स, बेहतरीन डिजाइन, हाई क्वालिटी लेकिन कम दाम है एकोम फर्नीचर्स की पहचान। अवेलेबल इन पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स गुटकर मंडी।